हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चावल के पापड़ की सीक्रेट पारंपरिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले ना तो मशीन होती थी और ना ही पॉलिथिन। चावल के पापड़ को चकले या फिर थाली पर बनाया जाता था और कई जगह पर आज भी बनाया जाता है, और ये इतनी आसानी से निकल जाते हैं जैसे कि पूरी निकलती है, और इतने पतले पापड़ बनकर तैयार होंगे कि आप इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। बस इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चावल के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में 2 से 3 लीटर पानी गर्म होने की रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना सारा पानी क्यों रखा है, तो आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब पानी को ढककर उबाल आने तक गर्म करेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें हम एक कटोरी सूखी चने की भाजी डालेंगे। दोस्तों, इसे दो कारण से डाला जाता है। पहला ये कि चना की भाजी में काफी नेचुरल खार होता है जिससे पापड़ एकदम खुशखुशे बनते हैं, और दूसरा इससे पापड़ में नेचुरल येलो कलर आ जाता है, और इसे कसूरी मेथी की तरह धूप में सुखाकर तैयार किया जाता है। पानी में भाजी डालेंगे, 1 चम्मच मेथी के दाने डालेंगे, और अगर आपके पास भाजी ना हो तो आप इसमें 1 चम्मच जीरे और 1 चम्मच मेथी के दाने डाल दें, इससे भी येलो कलर आ जाएगा। अब आंच मीडियम रखेंगे और भाजी को ढककर 15 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रखें कि पानी ओवरफ्लो हो सकता है, इसलिए इसके लिए बड़े बर्तन का यूज करें या फिर पानी को बिना ढके ही पकाएं। 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि पानी का कलर कितना अच्छा आ गया है, एकदम येलो कलर हो गया इसका। अब आंच बंद करेंगे और पानी को छान लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इतना सारा पानी क्यों उबाला है। तो दोस्तों, आप एक बार में ज्यादा पानी बना लेंगे तो बार बार पानी बनाने की झंझट से भी बच जाएंगे, और एक एक गिलास पानी तैयार करेंगे तो हर बार 15 मिनट उबालने से गैस भी ज्यादा लगेगी। तो हम एक बार में ज्यादा पानी बना लेंगे, ऐसा करने से गैस की बचत भी होगी। अब एक गहरा बर्तन लेंगे और इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, प्लस आधे गिलास से थोड़ा कम पानी और डालेंगे। अब पानी में उबाल आने देंगे। हमारा पानी गर्म है तो पानी में जल्दी उबाल आ जाएगा। आप पहली बार बना रहे हैं तो 1-1 गिलास करके ही पापड़ बनाएंगे, और अगर आप 2 गिलास पानी लेंगे तब भी आपको आधा गिलास पानी और ऐड करना होगा, इससे ज्यादा नहीं। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें 1 छोटे चम्मच नमक डालेंगे, 1 छोटे चम्मच पापड़ खार डालेंगे, और उसी गिलास से 1 गिलास चावल का आटा डालेंगे। अब आंच धीमी रखेंगे और चावल के आटे के बीच में बेलन की नोक से एक होल कर देंगे, इस तरह से। बस इसे मिक्स नहीं करना है। ध्यान रखें कि इसके लिए हमें गहरे और मोटे तले वाले बर्तन का इस्तेमाल करना है, जिसमें डो ओवरफ्लो भी ना हो और नीचे से जले भी नहीं। अब चावल के आटा को ढककर धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं और अब आप देख रहे हैं कि इसका जो पानी है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है, और गैस बंद कर देंगे। अब बेलन की नोक की हेल्प से आटा को मिक्स करेंगे। इसे जल्दी जल्दी मिक्स करना है, इसके लम्स नहीं पड़ने चाहिए। और हाँ, 1 गिलास चावल के आटे का डो तैयार करेंगे तो इसे मिक्स करने में भी आसानी होगी। ये देखिए कितनी आसानी से मिक्स हो गया। अब डो को 2 से 3 मिनट तक ढककर रख देंगे। हमारे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, डो अच्छे से सेट हो गया है। अब हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे। डो हमारा बहुत गर्म है, चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और डो को ढककर रखेंगे। अब इसे मसलते हुए गोल करेंगे। चकले में थोड़ा सा घी लगाएंगे और बेलन में भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब लोई को बेलेंगे, बेलन को किनारे पर चलाते जाएंगे और चकले को घुमाते जाएंगे। हमें पापड़ को उठाना नहीं है, इस तरह से ध्यान रखें कि बेलन को एक ही जगह ज्यादा जोर लगाकर नहीं बेलना है। हमारा डो गरम है तो ये आसानी से बेल जाएंगे। चावल के ये पापड़ हम खींच खींच कर बेलते हैं, इसलिए इनको खींचिया पापड़ भी कहते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि हमने कितना पतला पापड़ बेलकर तैयार कर लिया है। इसे निकालेंगे, ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया है। इन्हें आप थाली में भी बना सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर डो ठंडा हो जाएगा तो पापड़ बेलने में मेहनत लगेगी, इसलिए डो को ढककर रखें या फिर इसे हॉट पॉट बॉक्स में भी रख सकते हैं। अगर डो ठंडा हो जाए तो इसे पॉलिथिन पर बेलना आसान होगा। ये देखिए हमने थाली में भी बेल कर दिखा दिया है। इसी तरह से सारे पापड़ खिचिया पापड़ बनाकर तैयार करेंगे और इनको धूप में सुखाकर कंटेनर में रखेंगे। इन्हें आप साल दो साल तक स्टोर कर सकते हैं। और दोस्तों, पापड़ के लिए आटा कैसे तैयार करें मैं आपको इसका वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ। इससे आपके पापड़ हमेशा परफेक्ट बनेंगे, ना फटेंगे और ना ही टूटेंगे। दोस्तों, आप ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसे बने आपके खिचिया पापड़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।